कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में मैं नेहा राजपूत आपको बताऊंगी 3 से 9 फरवरी के बीच कैसा रहेगा जो है सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये भविष्यवाणी जो होगी सभी 12 राशियों के लिए खास होगी। हमारी जो ये साप्ताहिक भविष्यवाणी होती है वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित होती है। इस साप्ताहिक राशिफल में न केवल आपको आपके आर्थिक और करियर के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इसमें आपके जो है आपको प्रत्येक राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़े फलादेश भी मिलते हैं। आप हमारे साप्ताहिक राशिफल की मदद से अपने आने वाले सप्ताह को शानदार बना सकते हैं और आने वाली किसी भी समस्या का हल निकालने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए तुरंत शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल के वीडियो की। सबसे पहले आपको हम बताएंगे हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्य इस सप्ताह क्या है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 3 फरवरी से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 9 फरवरी पूर्णिमा है को होगा। इस सप्ताह शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 5 फरवरी को जया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 6 फरवरी को प्रदोष व्रत और 9 फरवरी को माघ पूर्णिमा व्रत मनाया जाएगा। तो यानी कि 30 त्योहारों की श्रृंखला में अगर देखें तो 3 त्योहार आपको इस पूरे सप्ताह में मिलने वाले हैं। ग्रहों की गोचर की बात कर लेते हैं तो 3 से 9 फरवरी के बीच 2 बड़े गोचर हो रहे हैं, जिनमें पहला गोचर सप्ताह की शुरुआत यानी 3 फरवरी को हो रहा है। यह गोचर है शुक्र का मीन राशि में, जबकि दूसरा गोचर हो रहा है 8 फरवरी को जो होगा मंगल का धनु राशि में गोचर। इसीलिए इन ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव सभी राशि के जातकों पर इस सप्ताह देखने को मिलेगा। और आपको तो पता ही है कि चंद्रमा का गोचर तो होता ही है, तो चंद्रमा शुक्र और मंगल कैसा प्रभाव डालेंगे आप सभी 12 राशि के जातकों पर, यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि यह जो राशि फल होगी भविष्य फल है, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह यानी 3 से 9 फरवरी के बीच का समय। तो पहला जो फरवरी का सप्ताह है इस दौरान चंद्रदेव धनु राशि वालों की राशि से षष्ठम सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल ग्रह का गोचर आपकी ही राशि यानी आपके लगन भाव में होगा। मंगल के आपकी राशि में गोचर के चलते आपके स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अहम भाव इस दौरान आप पर हावी रहेगा। अपने स्वभाव के कारण आप मानसिक तनाव की स्थिति में भी आ सकते हैं। मंगल के गोचर का अच्छा पक्ष यह है कि इस दौरान आप प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। चंद्रमा के गोचर की बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते किसी वजह से आप मानसिक तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। आपकी संतान को इस दौरान शारीरिक परेशानी हो सकती है, इसीलिए उनका खास ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय प्रतिकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं, वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सावधान रहकर चलना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान व्यापारियों को विशेष लाभ होगा। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। यह समय आपके आर्थिक पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। धन से जुड़े मामलों में बहुत संभल कर चलना होगा। किसी पुराने राज के खुल जाने के कारण परिवार के बीच आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपकी माता के लिए चंद्र का अष्टम भाव में गोचर अच्छा रहेगा। इस दौरान उनको अचानक लाभ मिल सकता है। अब बात करें अगर प्रेम जीवन की तो इस राशि के मैरिड लोगों को इस सप्ताह अपने गुस्सैल रवैये पर काबू रखना होगा। आपके द्वारा कही गई कोई बात आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है। वहीं प्रेम में पड़े इस राशि के जातक इस सप्ताह अच्छे मन की स्थिति में रहेंगे, जिसके चलते लवमेट के साथ उनके संबंधों में निखार देखा जाएगा। इस सप्ताह आपका प्रिय आपसे किसी चीज की मांग कर सकता है। यदि आप उस चीज को देने में समर्थ हैं तो जरूर दे दें। उपाय जान लेते हैं, क्या उपाय करना चाहिए आपको इस हफ्ते। भगवान हरि विष्णु की उपासना करें और गजेंद्र मोक्ष श्रोत का पाठ करें। एक उपाय आपकी परेशानियों को दूर करेगा। तो धनु वालों के बारे में हमने बताया कैसा बीतने वाला है उनका आने वाला सप्ताह।
तो दोस्तों बताया हमने आपको कि कैसा रहने वाला है आपका 3 से 9 फरवरी के बीच का समय, ये 7 दिन क्या कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन आपका, अगर शादीशुदा है तो आपके और आपके पति या पत्नी के बीच कैसे संबंध रहेंगे, पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी या नहीं, हर विषय पर हमने चर्चा की इस वीडियो में। साथ ही हमने आपको एक ज्योतिषीय उपाय भी बताया है ताकि जो थोड़ी बहुत समस्याएं आप इन 7 दिनों में आपको हो सकती हैं उनसे आप उससे निजात पा सके। तो उपाय बहुत ही कारगर और बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे फटाफट लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमारे चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी यही मंगल कामना रहेगी कि आपका जो ये सप्ताह है बहुत अच्छा बीते, आप खुशहाल रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहत में किसी तरह की परेशानी ना आए। बाकी जैसा कि हम कहते हैं हर वीडियो में, जाने से पहले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।